हापुड़ जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरुद्ध की जमकर नारेबाजी। नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिसर से 300 करोड़ से अधिक की नकदी प्राप्त होने को लेकर भाजपा ही जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा। इस दौरान हापुड़ जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन देते हुए ज्ञापन में जिलाध्यक्ष नरेश तोमर ने बताया कि जैसा कि सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि झारखंड के राज्यसभा सांसद के परिसर से लगभग 300 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। किसी के पास इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होना चिंतनीय और गंभीर विषय है, और वो भी तब जब वो भारतीय संसद के सदस्य हों। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि इस अति संवेदनशील विषय पर इस प्रकार के अपराध के लिए समस्त प्राधिकारों प्राप्त आधिकारिक जांच प्राधिकरण से इस प्रकरण से जुड़े सभी लोगों पर हो, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, प्रभावशाली हो या अन्य हो। जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यह आर्थिक अपराध की वे श्रेणी है जिससे राष्ट्र के विकास में अतिपूर्ण क्षति होती है, और एक चयनित या मनोनीत जनप्रतिनिधि यदि इस प्रकार का आर्थिक अपराध करता है तो वह राष्ट्र की जनता के साथ राष्ट्र के सर्वप्रता का भी अपराधी है। यह अपराध अक्षम्य है और इसके लिए वह राजनीतिक दल भी दोषी है जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को चयनित कर संसद या सदस्य मनोनीत किया है। ऐसे में उस राजनीतिक दल को भी इस अपराध में शामिल माना जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश तोमर का। आज कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन किया गया, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के जो झारखंड के धीरज साहू जी राज्यसभा सांसद हैं, उनके आवास पर 300 करोड़ रुपए से अधिक नकदी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मिली है। वहाँ पर जो राहुल गांधी कहते थे मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, उस मोहब्बत की दुकान से इतना धन निकल रहा है जिसको जनता भी ताज्जुब है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा है कि जनता से लूटी हुई पाई पाई इन सब लोगों को वापसी करनी पड़ेगी। ऐसा अभी बिहार में वहाँ के एमपी साहू जी को 300 करोड़ रुपए, और अभी काउंटिंग जारी है वहाँ पर। कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, 75 वर्षों में उन्होंने देश को लूटा है, और उसको लूट से बचाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद आने के बाद सभी पर जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करी है और एक अच्छा राष्ट्र बना रहे हैं।